शाहनवाज जी, नीरज जी सुशांत सिंह राजपूत के भाई हैं। वो कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र बनाम बिहार का मामला कतई नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं ने एक के बाद एक बयान दिए। एक नेता ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए, दूसरे नेता ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार तो अब बहुत दिन चल नहीं पाएगी क्योंकि शरद पवार के पोते कह रहे हैं सत्यमेव जयते, और सरकार जो है वो सीबीआई जांच कराने को तैयार नहीं हो रही थी। देखिए, नीरज बबलू जी सुशांत जी के भाई भी हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, बीजेपी के नेता भी हैं। उनकी बात और मेरी बात अलग नहीं है, और हमारे इस जिले से ये विधायक भी हैं जिस जिले से कम मैं रहने वाला हूं। तो इनकी भावना, ये मेरी भावना या बिहार के 12 करोड़ लोगों की भावना यही है। जहां तक सवाल है, महाराष्ट्र राज्य का सवाल नहीं है, महाराष्ट्र सरकार का सवाल है। महाराष्ट्र की तो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसके नेता देवेंद्र फडणवीस हों या उनके अन्य नेता हों, शुरू से सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठाते रहे हैं और पूरा देश पूरी दुनिया उठाती रही है। ये महाराष्ट्र की हार या बिहार की जीत नहीं है, लेकिन मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार का जो व्यवहार था, उस व्यवहार से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस संदिग्ध हो रही थी। जब बिहार पुलिस जा रही है तो उसको क्वारंटाइन कस्टडी कर रही है। मुंबई पुलिस को यह जवाब देना होगा कि आखिर इतनी देरी क्यों हुई। आज संजय राउत कह रहे हैं कि इसको राज्य का मामला न बनाया जाए और बात निकलेगी तो दिल्ली तक जाएगी। संजय राउत जी, बात निकली तो दिल्ली तक आई ना, सुप्रीम कोर्ट तक। अगर आपने वहीं पर न्याय किया होता तो आज किसी को परिवार के लोग भी उम्मीद लगाए हुए थे, बिहार के 12 करोड़ लोग और सुशांत सिंह के पूरे दुनिया के समर्थक ये उम्मीद लगाए हुए थे कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा। लेकिन किस तरह की भाषा महाराष्ट्र के नेताओं ने, शिवसेना के नेताओं ने बोली, माजिद मेनन ने किस तरह की भाषा एनसीपी के नेता ने बोली, हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने का काम शिवसेना और एनसीपी के नेताओं ने किया। और आज जो सीबीआई ने किया है, ये सबकी मांग थी। इसको हम राज्य वर्सेस राज्य नहीं कर रहे, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोगों की जो आज सरकार है, महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार, उसको पब्लिक में जवाब देना होगा कि उनसे क्या भूल हुई जो सीबीआई को जांच करनी पड़ी। हमें मुंबई पुलिस पर कभी कोई शक नहीं किया था, लेकिन जिस तरह इतने दिन तक एफआईआर भी नहीं किया, तब जाके परिवार ने गुहार लगाई बिहार सरकार को। शाहनवाज जी, बिहार क्रेडिट की लड़ाई जांच करने गई, क्रेडिट की लड़ाई तो शुरू हो गई ना, क्रेडिट की लड़ाई तो शुरू हो गई है। क्रेडिट कोई क्रेडिट क्या लेना है साहब, यहां तो दर्द है और वो दर्द को सब बयान कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो। मैंने आपसे कहा ना, नीरज बबलू भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं, उनके परिवार, उनका परिवार, हम लोगों को एक ही परिवार है, वहां कोई अलग अलग राजनीति नहीं है। इसको हम सियासी चश्मे से देख ही नहीं रहे। इस मुद्दे पर बिहार के 12 करोड़ लोगों का सेंटिमेंट था, और बिहार ही नहीं, पूरे देश में जो सुशांत सिंह राजपूत के समर्थक थे, और पूरे देश में वो लोग, शाहनवाज जी ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन आप ही की पार्टी के दूसरे प्रवक्ता कह रहे हैं कि अब तो महाराष्ट्र की सरकार गई, अब गई कि तब गई, क्योंकि एक नेता वो सत्यमेव जयते लिखता है, शरद पवार का पोता सत्यमेव जयते लिखता है, और शरद पवार की पार्टी की सरकार के गृह मंत्री बार बार मना करते हैं कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। तो ये आप ही के पार्टी के नेताओं के बयान है। मैं उसको सीबीआई जांच की हामी में अगर आप सरकार के जाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं जी जी, और फिर ये भी कह रहे हैं कि साहब इस पर राजनीति नहीं कर रहे, एकदम नहीं। हमने देखिए, रविशंकर प्रसाद जी ने बयान दिया है, मैंने ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के नाते, मैं प्रवक्ता हूं पार्टी का, बिहार से हूं, मैंने भी बयान दिया है। और मैं जिम्मेदारी से आपको कहता हूं कि हम इस पे ये मानते हैं कि न्याय की जीत हुई है, और अब भारतीय जनता पार्टी मानती है कि जिस तरह की गलतियां की शिवसेना के नेताओं ने, मुंबई पुलिस का व्यवहार, इसके लिए उनको जवाब तो पब्लिक में देना होगा। उनके यहाँ इस बात की जवाबदेही से वो बच नहीं सकते। तो बिहार के चुनाव में शिवसेना जवाब मांगी कि इस पर, बिहार के चुनाव में शिवसेना जवाब हम चुनाव में नहीं मांगने वाले। देखिए, हम शिवसेना का व्यवहार बिहार के लोगों से क्या रहता है, ये रोहित जी आपका जग जाहिर है। ये सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, सुशांत सिंह रहते थे मुंबई में, टैक्स पेयर थे,
वहां महाराष्ट्र सरकार को भी टैक्स देते थे, वहां रह रहे क्या उनको इंसाफ दिलाना महाराष्ट्र की सरकार या मुंबई पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी? ठीक है, हमें आंसू पर रोने को मजबूर क्यों किया गया? ओके, ये जवाब तो उनको देना होगा पब्लिक में। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।